यस, हु इज दिस? गेट खोलो। कौन है? स्टार्ट करो, चलो बताओ कौन हूँ मैं। कैन यू हियर माय हार्ट बीट कॉलिंग, कैन यू फील द लव वी आर फॉलिंग, जस्ट टेक माय हैंड एंड टेक मी होम टुनाइट। ओके, सो यू आर अलाउड इन द रूम। वेट, सो गाइस यहाँ पे एक सिस्टम था कि हम इसे इस तरीके से लॉक करके रख सकते हैं। इज अ सेफ्टी लॉक। सो वन थिंग, इसको देख के मुझे याद आया कि हम इसके पहले जो भी होटल में थे ना, ये चीज़ डिजिटल था, दैट वाज नॉट मैनुअल। हम एक बटन क्लिक करते थे और वो अटक जाता था, बट यहाँ पे ये मैनुअल है। सो दैट्स द थिंग। एंड दिस स्विचेस। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लोज द डोर। ओके, सो ये कार्ड है, जो कि पता ही है कि इसको इंसर्ट करने से सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। एंड दिस इज डू नॉट डिस्टर्ब। ऑब्वियसली मैं हमेशा इसको कर देती हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि रूम पे कोई भी आए, मैं अकेली भी रहूँ तो भी। एंड दिस इज द वार्डरोब सेक्शन, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये है। सो ये इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे लॉकर है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ का लाइट ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब सेंसर नहीं है बेसिकली, क्योंकि ITC में जब हम गए थे तो हाथ जैसे अंदर डालते थे तो वो सेंस ले लेता था, है ना? No need to mention ITC, जब भी अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। और यहाँ पे लॉकर भी काफी पुराने जमाने वाला टाइप का है। आई डोंट थिंक कि ऐसा लॉकर हमें कहीं पहले मिलेगा, तो ये काफी ज्यादा ना लाइक क्या बोलूं, लाइक विंटेज टाइप है। विंटेज को बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज जो है पुराना है। राइट, यहाँ पे हमें स्लीपर्स मिलते हैं एंड शू पॉलिश, सो दिस वाज इट। यहाँ पे हमें एक बैग भी मिला है जो ताज बंगाल इसमें लिखा हुआ है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक दिस, इसे मैं वापस टांग देती हूँ इधर। सो यहाँ पे एक मिरर है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मेकअप वगैरह कर सकते हैं, लाइट भी प्रॉपर है, एज यू कैन सी। ओके, सो व्हाट सेक्शन इज दिस? अच्छा, यहाँ पे कुछ भी आप सामान वगैरह रख सकते हो, वगैरह रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और सेक्शन है जहाँ पे आपको हैंगर्स दिए हुए हैं, आयरन एंड आयरन पैड, तो ऑब्वियसली ये तो रहना ही चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। नाउ कमिंग टू द बाथरूम सेक्शन, सो आई फील दैट दिस इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट वॉशरूम आई हैव एवर केम, बिकॉज ये थोड़ा छोटा है और बहुत ओल्ड प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये कुछ ऐसा है। तो आइए, लू मत दिखाइए, डो नॉट फोकस ऑन द लू प्लीज, ऑडियंस को शायद अच्छा ना लगे। दिस इज द शावर एरिया, बट दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट, बट एनी हाउ, एंड दिस इज द वॉश बेसिन। यहाँ पे हमें सोप, टूथब्रश, शावर कैप, बॉडी लोशन, टावल्स एंड नैपकिन मिले हुए हैं, कुछ ग्लासेस, एंड दिस इज द बाथटब। बट बाथटब बहुत ही ज्यादा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, काफी काफी ज्यादा, काफी ज्यादा, एक्चुअली काफी पुराना बना हुआ है इसकी वजह से। एंड यहाँ पे ये शायद कुछ निकल भी गया है, देखो व्हाट इज दैट, तो ये दिख रहा है कि काफी पुराना है। नीड टू मेंशन, चलो। सो गाइस यहाँ पे है टॉवल, और ये क्या है? ये है ना, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ये है कपड़ा सुखाने के लिए, इसे टानो पूरा, स्ट्रेच करो। ओके, या एंड वहां पर उसे फंसा दो लाइक दिस। हां, तब ये धागा इस तरह से बन गया, रस्सी की तरह, और इसमें आप इस अपने कपड़े सुखा। एंड ये काफी मजबूत है, सो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत मजबूत है, सो दिस इज नाइस। और जब आपके कपड़े सूख जाए तो इसे वापस लगा दो। या एंड दिस लाइट, there are the switches. Okay. So कैसा लग रहा है? So it's nice actually. अच्छा, जब हम थोड़ा दूर से देखेंगे ना तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप नजदीक से देखोगे तो आपको पूरा मतलब चेहरा बहुत क्लियर दिखाई देगा। So I think this is nice. Yes. Now coming to the room. Okay. Lights भी बहुत amazing है ना? So guys,
अब रूम की तरफ एंट्री करते हैं और जैसे ही आते हैं राइट साइड में, आपको पता ही है, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मुझे मिरर बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे काफी बड़ा सा मिरर है जहाँ पे मैं अपने आप को देख सकती हूँ, सेल्फी क्लिक कर सकती हूँ. सो दिस इज वेरी नाइस. एंड टू द लेफ्ट साइड यू कैन सी ये बेड है, वो मुझे सबसे प्यारा लग रहा है वो साइड टेबल, बिकॉज आप देख सकते हैं बिल्कुल विंटेज है, बहुत ही एंटिक है. एंड आई थिंक कि इसका लाखों में दाम होगा अगर इसे ये सेल करेंगे, बिकॉज दिस इज ना समथिंग जो मैं एक जगह पे गई थी, वहां पे ऐसे पुरानी चीज ना सेल होते हैं और लोग ऐसे पुरानी चीजों को सेल करते हैं और लाख रुपए, बहुत थाउजेंड रुपीज में सेल करते हैं. सो दिस इज वेरी कॉस्टली इन दैट सेंस, मुझे ऐसा लगता है. इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो यहाँ पे बेड है एंड अगेन सेफ्टी मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या मिला है वो अब दिखाते हैं. सो यहाँ पे हमें मिला है सैनिटाइज फॉर योर सेफ्टी रिमोट. ओके, मतलब इसमें रिमोट है बेसिकली, जो कि इतना प्रॉपर तरीके से, या प्रॉपर तरीके से रखा गया था. सो दिस इज समथिंग जो हमें पहला बार एक्सपीरियंस हुआ है. यहाँ पे आपके पास मास्क भी है और सिंगल, ओके, डबल मास्क है. सो दैट इज नाइस. यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर है, बॉटल्स एंड ग्लासेस. सो गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ. जब भी हम लोग बिस्लेरी, किनले ये सब वाटर पीते हैं और उसे मिनरल वाटर बोलते हैं, दैट इज नो वे मिनरल वाटर. वो मिनरल वाटर नहीं होता है. हिमालयन इज अ ब्रांड जिस जो मिनरल वाटर है, द नेचुरल मिनरल वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, तब मुझे पता चला कि ओके, लाइक मिनरल वाटर ये है एग्जैक्टली, एंड जो वो किनले बिस्लेरी वगैरह नहीं होता है. सो यहाँ पे सिटिंग एरिया, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेती हूँ बिकॉज मैं बहुत थक गई आप लोग से बातें करते करते. अगर आप भी थक गए हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करना मत भूलना. सो गाइज, एज यू कैन सी हियर इज ऑल्सो अ सिटिंग एरिया जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है. सो यहाँ पे एक हमें फोल्डर मिला है जहाँ पे एनवेलप्स है, कुछ ऐसे बड़े वाले नोट पैड है, ये जस्ट कार्ड है और कुछ फॉर्मेलिटीज है जो लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस आर समथिंग जो हमें चेक इन के टाइम पे मिला था. सो नो नीड टू शो दिस. और ये क्या है, ये आई थिंक पे करने के लिए. ओके, स्पा एंड सैलून का मेन्यू. अच्छा, अभी क्या होता है ना कि मेन्यू के लिए आपको ना कोई भी प्रॉपर मेन्यू कार्ड नहीं मिलता. यू नीड टू स्कैन दिस थ्रू गूगल, और गूगल में स्कैन करने के बाद आपके पास स्पा सैलून के सारे मतलब ऑप्शंस आ जाएंगे, इवन फूड एंड बेवरेजेस के भी आ जाएंगे. तो हियर इज समथिंग लाइक दिस जो मुझे पता था, बट यहाँ पे मिला, दैट इज अमेजिंग. एंड यू कैन सी द लैम्प सेटअप, इट इज अमेजिंग. इवन द लैम्प सेटअप ओवर द बेड इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब कुछ अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे. Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. So guys, हमें एक बहुत ही स्पेशल रूम मिला है जहाँ से हमें पूल व्यू दिख सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये डोर हम ओपन नहीं कर पा रहे. सो विल ओपन इन सम टाइम, देन वी विल शो यू, बट अदरवाइज द पूल इज लुकिंग अमेजिंग. पूल इज अभी मतलब इट इज नॉट ऑपरेशनल, बट हम वहां पे जाके वॉक कर सकते हैं एज लाइक वी डिड इन ITC. सो या गाइज, I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? So guys, यहाँ पे टीवी यूनिट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी है बहुत ही बड़ा. और यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्राज में हमें कुकीज, चॉकलेट, ड्रिंक्स वगैरह मंगाना है तो उसके लिए है. एंड यहाँ पे डीवीडी राइटर है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि कहीं पे भी डीवीडी राइटर तो नहीं मिलता है, इवन एट 3-star भी मतलब ये सारी चीजें नहीं रहती है. यहाँ पे रिमोट है दैट इज सैनिटाइज, जैसे कि मैंने वहां पे आपको दिखाया था. ओके, यहाँ पे है आपका बार सेक्शन. सो गाइज, यहाँ से ये डोर अंदर चला जाता है एंड दिस इज द टी सेक्शन जहाँ पे आपको टी एंड कॉफी सेट मिलता है. ये बॉक्स को ना थोड़ा सा उठाते हैं और ये बहुत प्यारा है. राइट, यहाँ पे टेटलीज का है, टाटा की टी एंड नॉर्मल. ओके, देयर इज नथिंग न्यू कि मैं आपको इसमें से दिखाऊं.
इज द ग्लास सेक्शन एंड दिस इज द मिनी बार. सो गाइस, काफी आपने मतलब रूम टूर कर लिया. निकिता ने काफी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया, सारी चीजें दिखाई, बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत मजा आया. मतलब मैं तो यहाँ फील कर रहा हूँ वो सारी चीजें जो अभी आपने वीडियो में देखा है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है गाइस. एंड दैट टू मतलब इतने सारे मतलब जो ये है ना एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज जो है यहाँ पर मिले, वो काफी अच्छा लगा मुझे. एंड गाइस, आज ना थोड़ा और भी स्पेशल है, बिकॉज क्या है कि आई गेस कि मैं जून में कोलकाता आया था जब मेरी शादी थी, एंड जुलाई में मैं चला गया था. तो जब से क्या है कि मैं अपनी फैमिली से मिला नहीं था, एंड आज जो है ना मेरे साथ में मेरा ब्रदर आया हुआ है. जस्ट टू मतलब पहले मिलाते हैं पहले. तो ही इज माय ब्रदर आदि. हाय. सो बहुत दिनों के बाद में हम लोग मिल रहे हैं दोनों साथ में. ऑलमोस्ट मतलब जुलाई के बाद में शायद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना. यस yes. अभी दो दिन पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मेरे सिस्टर भांजे सब लोग आ चुके हैं. कल मैं अपने यहाँ पर की बाकी फैमिली से भी मिलने गया था, तो मेरा ब्रदर रह गया था, उससे भी मैं मिला था. बट ठीक है, आज भी वापस से हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए चले आ रहा है. डिनर करते हैं, साथ में थोड़ा सा घूमते भी है, तो इसलिए मजा भी आ रहा है. क्यों अभी घूमने चलना है ना वापस से. हाँ एकदम. हाँ? अभी नाइट आउट करना है बंदे को. इसके आंखों में नींद है, रात दो तीन दिनों से मतलब लास्ट दो तीन दिनों से ठीक से सोया नहीं है. जस्ट सारे कजिन्स के साथ में नाइट आउट कर रहा है. अभी भी नाइट आउट करने के लिए रेडी है लड़का. है ना, तो रेडी चले फिर.